Hello guys, hi, welcome. देखो आज हम सन्नी फीते बनाने वाले हैं। ये चकमा फीते होता है हम लोगों का ट्राइब का। ये है गुच्छे, चकमा भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते नहीं मालूम। और ये नारिकेल हम छोटा पीस करने वाले हैं। इसको देखो ऐसे करके गुर होगा, थोड़ा गुर करके इसको हम पीता में मिक्स करने वाले हैं। तो ऐसा करने से पीता का स्वाद खुद अलग होता है। देखो मैं ये कर रही हूँ। और उसके बाद सन्ने पीते बनाने के लिए इसमें जो चावल का गुरा है और इसमें गुच्छे दे दिया है और इसमें नारिकल ऐड किया है। तो अभी हम बनाएंगे सन्ने फीता एंड होगा फीते, इसको बोलते हैं हम होगा फीते। होगा फीते बनाएंगे देखो हम लोग कैसे होगा पीते बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं पीते फादा चकमा लैंग्वेज में। आप लोग कैसे बोलते हैं पता नहीं। इसके अंदर में हम जो ये रेडी किया है पीते बनाने के लिए, ये अभी हम इसमें डाल देंगे और एक स्टिक के थ्रू यहाँ पे स्टिक लगा देंगे ताकि ये बाहर ना निकले। इसलिए देखो इसमें हम जो चावल जो मिक्स कर लिया है ऑलरेडी, उसको चावल मिक्स कर यहाँ पे दे देंगे और ये इसमें एक स्टिक दे देंगे ताकि ये बाहर ना निकल पाए। इसलिए देखो इस तरह से इसको देने की ज़रूरत है। और इसमें देखो ऐसे करके, तो देखो हम लोगों का हो गया है होगा फीते। होगा फीते होने के बाद अभी ये सन्ने फीते का प्रोसेस चल रहा है। इसमें हम गुच्छे दे दिया है और इसमें नारिकेल सब मिक्स करके पानी भी दे दिया है और इसको मिक्स करके मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने की ज़रूरत है, ये नहीं तो अच्छी तरह से बन नहीं पाएगा। इसलिए देखो हम लोगों ने देखो कितना तीन जन मिल के इसको मिस किया है। इतना ज़्यादा मिस करने की ज़रूरत है क्या ये बताऊँ। देखो अच्छी तरह से मिस हो गया और अभी अब हम इसको बनाएंगे। इसमें जो मीठा है इसमें मीठा डाल दिया है हम लोगों ने और इसे ऐसे ऐसे करके बनाते हैं। देखो आप लोग गाइस चकमा कैसे पीते बनाते हैं। फिर ये एक थाली के थ्रू इसमें गोल 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 करेंगे, फिर बन जाएगा। अच्छा एक शेप आ जाएगा इसमें। देखो शेप अच्छा आ गया है। और देखो इसको बोलते हैं हम सन्ने फीते। और इस पीता को इसके अंदर डाल दिया है होगा फीते और सन्ने फीते को, और इसमें ये ताकि बाहर ना निकले इसलिए इसको बाच बेम्बू का ये दे रही है। देखो इसमें ऑलरेडी पानी दे दिया है, पानी उबल रहा है। उबलता हुआ पानी में ये ज़रूरत है जो हवा है उसके थ्रू ये पक जाता है। और देखो यहाँ पे पक चुकी है और ये खाने के लिए रेडी हो गया था।